नमस्कार दोस्तों, ये मेरा चैनल है MBM क्रिएशन और आप लोगों को मैं स्वागत करता हूँ। वैसे ये कोई फूड व्लॉगिंग और उस तरह के कोई चैनल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आज कुछ बनाने जा रहा हूँ, चलिए देखते हैं। इसका नाम है छत्तू बेसरो। मशरूम को उड़ीसा में छत्तू कहते हैं और उसी को मैं बनाने जा रहा हूँ। उड़ीसा में तो इसे बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन उड़ीसा की बाहर की जो लोग हैं शायद उन लोगों को ये पता नहीं है, तो स्पेशली उन लोगों के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। चलिए देखते हैं कैसे बनता है छत्तू बेसरो। तो जनाब, ये आ गए हैं मशरूम, ये टमाटर, प्याज, हरा मिर्ची और थोड़ा सा लहसुन, जिसको मैं ऐसे ही प्याज के साथ डालने वाला हूँ। और ये है आलू, जिसमें मैं हल्दी का पाउडर और मिर्ची का पाउडर डाल दिए हैं, जिसको मैं फ्राई करने वाला हूँ। और ये मशरूम को भी फ्राई करने वाला हूँ। और जो इम्पोर्टेंट है ये है, ये जो पेस्ट बनने वाला है ना, जो बेसरो हम लोग जिसको कहते हैं, ये है, जिसमें लहसुन है, सरसों है और थोड़ा सा जीरा और ये लाल मिर्ची, जिसको पेस्ट हम बनाने वाले हैं। टमाटर के बाद ये गिरेगा और धनिया जो आखिर में ही गिरेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है। तो दोस्तों, ये वो मसाला जो मैंने पहले दिखाया था, सरसों और लहसुन और थोड़ा सा जीरा और लाल मिर्च का जो पेस्ट बनने वाला था, यही है वो जिसको मैंने ग्राइंडिंग कर दिया है। और ये सब्जी में यही सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसको हम उड़ीसा में जिसको हमें बेसरो कहते हैं, जो प्याज और टमाटर के बाद ही डाला जाएगा। तो यही है वो। और याद रखिए, इसमें अदरक बिल्कुल भी नहीं डलेगा, सिर्फ ये लहसुन, सरसों, जीरा और लाल मिर्ची। तेल थोड़ा गर्म हो चुका है, चलिए हम मशरूम को फ्राई करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये मशरूम और आलू जो पहले व्हाइट थे, अभी थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, जिसको मैंने फ्राई कर दिए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, तेल गर्म हो चुका है, अभी मैं इसमें थोड़ा जीरा डालूंगा, थोड़ा सा जीरा, और ये लाल मिर्ची और वो जो हरा मिर्च मैं बिल्कुल भी नहीं डालूंगा। गर्म हुए तेल में मैं हरा मिर्च डालता नहीं हूँ, मैं टमाटर की बात डालता हूँ, जिसका टेस्ट थोड़ा अच्छा रहता है। वो थोड़ा सा जीरा डाल दिया, बस और कुछ नहीं डालना है। और इसके बाद प्याज ही डालेगा। तो इसमें प्याज डाल चुका हूँ मैं, और इसमें थोड़ा वो लहसुन जो मैंने रखा था, 5-6 लहसुन, जिसको मैं वैसे ही डालने वाला हूँ। आप देख लीजिए, लहसुन डाल दिया। अब इसको गोल्डन ब्राउन होने तक मैं इंतज़ार करूँगा। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब इसमें डलेगा टमाटर और हरा मिर्ची, डाल दिए। नमक स्वाद के अनुसार आप डाल सकते हैं, थोड़ा मैंने ज़्यादा डाल दिया शायद, नमक गया। और साथ में ये है उसका जीरा का पाउडर, और एक हाथ में कैमरा पकड़ा हूँ दोस्तों, तो शायद थोड़ा हिल जाता है कैमरा। अब ये गया है इसका धनिया पाउडर, और साथ में आप देखते जाइए, ये है मिर्ची का पाउडर, ये गया मिर्ची थोड़ा, और ये हल्दी, ये हल्दी 2 चम्मच, मिर्ची का पाउडर जो मैंने 2 चम्मच डाला है, और हल्दी का पाउडर मैं 2.5 चम्मच डाला हूँ, और जीरा और धनिया का पाउडर मैं 1 चम्मच डाला हूँ। देखिए दोस्तों, मसाला बन चुका है, अब इसके अंदर जाएगा वो जो पेस्ट मैंने बनाया था, लहसुन, सरसों और जीरा और लाल मिर्च का जो पेस्ट था ना, जो इम्पोर्टेंट था इस सब्जी के लिए, अभी मैं वो उसको डालने वाला हूँ। अब देखिए, ये मसाला डाल दिया है मैंने, अभी थोड़ा मैं इसको 2 मिनट तक, ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब 2 मिनट से ज़्यादा ही नहीं, मतलब नहीं तो ये मसाला ख़राब हो जाएगा, टेस्ट इसका ख़राब हो जाएगा। तो 2 मिनट तक मुझे इसे पकाना है। याद रखिए दोस्तों, 2 मिनट से ज़्यादा इसको आपको बिल्कुल भी नहीं पकाना है, वरना इसका टेस्ट बहुत ख़राब हो जाएगा। तो अभी मैं इसको चावल के साथ जो खाने वाला हूँ, इसलिए मैं इसके ऊपर पानी डालने वाला हूँ। अब देखिए जाइए, मैंने पानी डाल दिया है, अभी मैं जो मसाला को थोड़ा बॉयल करने वाला हूँ। देखते जाइए, जब इसके ऊपर उबाल आ जाएगा तो फिर मैं आलू और मशरूम डालूँगा। देखिए दोस्तों, ग्रेवी का उबाल आ चुका है, अब इसमें मैं डालने वाला हूँ मशरूम और आलू, बस उसके बाद प्रोसेस और कुछ नहीं है, बस धनिया डाल के इसको बंद करना है और चावल के साथ खाना है। अब देखते जाइए, मैं डाल रहा हूँ आलू और मशरूम, ये डल गया आलू मशरूम, हाँ। अब थोड़ी देर बस उसको थोड़ा सा पकाना है, फिर उसको निकाल देना है धनिया डाल के इसके ऊपर, बस इसका प्रोसेस और कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, ये सब्जी की जो सामग्री है और कैसे उसको बनाना है, मैं नीचे लिख के दे दूंगा, आप इसे घर में बना सकते हैं। और मैं उड़ीसा से हूँ और मेरी हिंदी में थोड़ी गड़बड़ी होगी, अगर होगी होगी तो माफ़ कर दीजिएगा। धन्यवाद।